वुमेन केयर इंटरनेशनल जो पिछले 38 वर्षों से मानव सेवा और देश सेवा के लिए समर्पित है, संस्था द्वारा 38वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आजादी का पर्व मनाया गया, जिसमें देश के वीर शहीदों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी पत्नियों को वीरांगना अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर संजू सिंह, श्रीमती बीनू झा, श्रीमती पारो सिंगल को बुलाया गया था। दो महिलाओं को स्टार ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर मैसी, संस्थापक वुमेन केयर इंटरनेशनल, ने सबका स्वागत किया। उनको सम्मानित करने और देश तिरंगे की आन बान शान एवं वीरांगनाओं को सम्मानित करने के लिए कमांडर श्री आर के गुप्ता, वीरता पदक विजेता श्री हरिश्चंद्र शर्मा, शिक्षाविद श्री धर्मवीर सिंह, श्री जे सी अरोड़ा जी, श्री नवीन भारद्वाज जी, श्री शेखर वाष्णेव जी, राजेश शर्मा, प्रगति भग फाउंडेशन, श्री अश्वनी शर्मा, श्री राजकुमार शर्मा, समाज सेवक श्री हरिंद्र सिंगल, समाज सेवक श्री संजीव सिंटा जी शिमला से, श्री क्रिस्टोफर भट्टी, श्री हरिदास, श्री मनीष मित्तल, अनेक गणमान्य लोगों के अलावा बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। स्टार स्कूल एवं सक्षम प्रोजेक्ट के बच्चों ने देशभक्ति से भरपूर नाटक और कल्चर प्रोग्राम करके सबको देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। सभी टीचर्स ने बड़ी से छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके बच्चों को अपनी कला से अवगत कराया। प्रीत भोज के साथ सबको विदा किया। मैं डॉक्टर संजीव सिंह, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मैसी को शुक्रिया कहूँगी कि वो हमेशा हमें अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, और जो जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और जिस तरह से इनकी शुरुआत हुई जर्नी जो मैंने लास्ट टाइम सुना था, बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, इन सबको इन्होंने इतने अच्छे से जोड़ा है, वो एक अपने आप में अलग ही है। और जो मतलब देश का एक्चुअल जो काम करे, ज़रूरी नहीं कि देश का सिपाही ही हर काम करे, अगर हम अलग रह के भी देश में ये सब काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये इन्होंने अभी हमें दिखाया है कि कैसे ये देश के लिए इनके मन में प्रेम है, जज्बा है, भले ये फोर्स में नहीं है लेकिन फोर्स से बढ़कर है। तो ये एक ऐसे हैं, इनकी एक विचारधारा है वो अलग ही है। और मैं क्योंकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही हूँ, मैं शहीदों की फैमिली के लिए काम कर रही हूँ, मैंने शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन बनाया है जो शहीदों की फैमिली का लुकाफ्टर कर रही है, ये दोनों बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं और हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हमेशा शहीदों को ही रिलीज देते, पर उनकी वाइफ का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो फोर्स में शादी करती है उस दिन वो देश में भी शादी कर लेती है, उस दिन से मतलब उसको एक अलग ही दुनिया में आ जाती है कि हमारे देश के लिए मुझे कुछ करना है। तो जैसे जैसे हम लोग शादी के बाद बढ़ते जाते हैं और देश के प्रति पति को देखते हैं, उस तरह हमारे अंदर भी एक अलग ही जज्बा आता है और हम उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। कितनी बार क्या ऑपरेशन में होते हमसे बात नहीं कर पाते, हमसे चार दिन बाद बात करते हैं, हमें कितना डर लगता है, वो हम अंदर अंदर झेलते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और उनके जाने के बाद भी हम लोग इतनी निडरता से इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमें भी मालूम है देश का प्रारंभ तो हम नहीं बदल सकते लेकिन हम आगे को बदल सकते हैं। तो इस देश के लिए मैं यही कहूँगी, तन समर्पित मन पर समर्पित, इस देश के लिए मेरा जीवन समर्पित। जय हिंद, जय भारत। मैं पारुल सिंगल, मेरे हस्बैंड CRPF में डिप्टी कमांडेंट थे जो कि 13 दिसंबर 2020 को शहीद हुए हैं। मैं तो जब भी मतलब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं हमेशा जाती हूँ, लेकिन आज मैं प्रेम धाम में आके और डॉक्टर मैसी ने जो मुझे इनविटेशन दिया है, तब से ही बहुत अच्छा अंदर से मतलब फीलिंग आ रहा था कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो उससे भी ज़्यादा मुझे मिला है बच्चों का प्रोग्राम जो उन्होंने जितनी अच्छे से किया है, मतलब मेरे तो आंसू ही आ गए थे देख के कि बाकी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि हमें यहाँ पर सम्मान के लिए बुलाया और सम्मानित किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम बीनू झा है, मैं मेरे हस्बैंड मिस्टर हीरा कुमार झा कमांडेंट CRPF में सेकंड इन कमांड, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और आज डॉक्टर मिशी ने हमें याद करके, उनको याद करके जो सम्मान दिया है उसका मैं दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जो देश के रक्षा के लिए, देश के अभिमान के लिए जो हमें मतलब उन्होंने बताया है, बच्चों के थ्रू प्रोग्राम करवाया है, उसका भी मैं काफ़ी धन्यवाद करती हूँ। और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें जो है सम्मानित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम धाम मेरे लिए एक तीर्थ के समान है, यहाँ पर आकर मेरी आत्मा भी और मेरा शरीर भी दोनों के दोनों जो है परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
उन सभी बीमारियों का, उन्हीं सभी तकलीफों का, उन सभी परेशानियों का इलाज है जो इस धरती पर है। तो मैं इसके लिए डॉक्टर मैसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रकल्प, एक ऐसा विश्वास और एक ऐसा कार्य इस धरती पर कर रखा है जिससे प्रत्येक जीव को सुख और शांति और विश्वास मिलता है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भगवान से भी कि वो हमारे मैसी जी को स्वस्थ रखे और मजबूत रखे, और ये ऐसे ही निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए, मुलजिमों के लिए और परेशान और बुजुर्गों के लिए जो है कार्य करते रहें। मैं इनको देखता हूँ दिन रात, ये लोगों की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में, विकलांगों की सेवा में, कोड़ियों की सेवा में, निरक्षरों की सेवा में और बच्चों को एक सही शिक्षा मिल सके उस प्रयासों में लगे रहते हैं। और ये नहीं, इनकी जो पूरी टीम है वो अपने आप में सारी प्रशंसनीय है, विश्वसनीय है और क्रांतिकारी विचारों की है। तो हमारा तो सबका यही सोचना है कि हमारे मैसी सर इस प्रयोग को, इस कार्य को और अच्छे से अंजाम दें और समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को भी, उस प्रेम धाम की जो सार्थकता है उसको भी सिद्ध करें। हाँ, आज का ये कार्यक्रम भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर आर के मैसी जी, जो हमारे ह्यूमन केयर इंटरनेशनल इस संस्था के कर्ता धर्ता हैं, उनकी तरफ से आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह, हर वर्ष ये इसी तरह का विजन, कोई थीम लेके चलते हैं। इस बार जैसे कि हमारे साथ में बैठी हैं ये वीरांगनाएं, इनको विशेष सम्मान देने के लिए, क्योंकि इनके घर से इनके जो पतिदेव महोदय थे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सेवा की, देश की सुरक्षा की। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम अपने घरों में खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक से नींद लेते हैं, ये उन्हीं का कारनामा है जो इतनी दुर्गम स्थानों पर जा कर के अपना बहुत बलिदान देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज का ये आयोजन जो मैसी साहब की तरफ से किया गया वास्तव में प्रशंसनीय है, और इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए। और जिन परिवारों के में शहीद हुए हैं वो तो वास्तव में पूजनीय परिवार हैं, हम सब के लिए बहुत ही सम्मान देने के योग्य परिवार हैं, इससे बड़ा कोई बलिदान हो ही नहीं सकता। और इस बार ये जो इन्होंने उद्देश्य चुना ये वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है हम सब की तरफ से। और देश हमारा उत्तरोत्तर प्रगति करता जाए, शांति रहे और विकसित हो, विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि वास्तव में ये ऐसे कार्यक्रम हमें भी और आने वाली पीढ़ियाँ, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सबको भी प्रेरणा देते हैं और एक प्रकार की देशभक्ति की भावना जगाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हम आए आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेम धाम पर डॉक्टर मसीह द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे वास्तव में देशभक्ति का जो जनून पैदा हुआ है। और मैं देख रहा था कि बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें, वो सारे इतने भाव विभोर, और वीरांगनाओं का जो सम्मान किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसलिए आज़ादी का ये महोत्सव घर घर में मन रहा है, लेकिन आज प्रेम धाम में मैंने देखा कि यहाँ बुजुर्गों की सेवा की जाती है, यहाँ पर जो वंचित हैं उनकी सेवा की जाती है, और सबसे ज़्यादा तो आपने देखा वो सपेरे समाज की जो बेटी को, उनका जो योगदान और जो इन्होंने उनको आगे बढ़ाया है वह बहुत काबिले तारीफ है। 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है और भारत 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन आज पूरे विश्व की स्थिति देखें तो भारत को एक महती भूमिका निभानी है। हमारे पड़ोस में चाहे बांग्लादेश की घटना हो, वो भी एक प्रकार की मानसिकता को बताती है, चाहे यूक्रेन का युद्ध है, रूस का युद्ध है, इजराइल और गाजा पट्टी में संघर्ष है, विश्व एक मानसिकता के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर आज चुनौती बनकर खड़ी है। कुछ आतंकवादी मानसिकताएँ, उससे लड़ने का संकल्प आज़ादी की इस 78वीं वर्षगांठ पर हम सब भारतवासियों को लेना है, क्योंकि आज पूरा विश्व बाढ़ जो रहा है भारत के
वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को और जहाँ गीता गंगा गायत्री हमारे अनेक शहीदों को स्मरण करने का दिन है जो उन्होंने आज़ादी हमारे को दिलवाई, वो इसलिए दिलवाई कि हम एक मानवता का इतिहास है भारत का, उसको आगे रखते हुए अपनी आज़ादी को अक्षुण रखें। और उन शहीदों को मेरा स्मरण है, देश की सेना को मैं नमन करता हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे महान सेना है। हम आज एक ही संकल्प भी लेते हैं कि जहाँ कहीं भी सैनिकों के परिवार रहते हैं, हम उन परिवारों का अपने परिवार की तरह ध्यान रखें, क्योंकि उनके बेटे देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करने के लिए गए। देखिए, आज मैं प्रेमधाम आया, डॉक्टर मेसी जी ने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे 15 अगस्त जो 78 ईयर्स हो गए आज हमारे देश की आज़ादी को, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम किया और डॉक्टर साहब ने ये वाकई में ही प्रेम धाम बना रखा है। इन्होंने सेवा जो की है यहाँ पे और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो ऐसे लोग हमारे देश में अगर हो जाएं तो मुझे लगता है कि हमारे देश में गरीबी और रोगियों की जो संख्या है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। और मैं दोबारा से फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त जो है ये भाई साहब ने इस तरीके से मनाया जैसे आज हम 1947 में मना रहे हैं, उतना ही जोश उतना ही उमंग। जय श्री राम। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को 78 इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष सदा खुश रहे, तरक्की करे और सदा आगे बढ़ता जाए। आज जो हमने प्रोग्राम किया था वो डेडिकेट था हमारी उन बहनों के लिए जिनके पतियों ने अपने देश के लिए शहादत दी। वो लड़ते गए, अपने साथियों को बचाते गए और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने को दे दिया, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरव के साथ देख रहा हूँ कि मुझे ऐसी बहनों का स्वागत करने का मौका मिला और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। प्रभु उन्हें ताकत दे कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को और अपने देश को, अपने और तमाम जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें। फिर एक बार देश को बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।